दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल गाइड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे, बात भी नहीं, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को ओवरक्लॉक कर सकते हो। ओवरक्लॉक करने से मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के प्रोसेसर को, और यानी उसके CPU प्लस GPU को ओवरक्लॉक कर सकते हो और अपनी डिवाइस की परफॉर्मेंस को इनक्रीज़ कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हमें करना है किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को ओवरक्लॉक। और आज के इस वीडियो में मैं अपना डिवाइस ओवरक्लॉक करने वाला हूँ, यानी मैं Redmi 4 को ओवरक्लॉक करूँगा और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दूँगा, और आपको भी दिखाऊँगा कि आप कैसे अपने डिवाइस को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज ओवरक्लॉकिंग का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ओवरक्लॉकिंग का ये वीडियो है, ये मैं अपने Redmi 4 में करके दिखा रहा हूँ। आपको अपने डिवाइस के लिए अलग से वो जो फाइल है वो ढूंढनी पड़ेगी। यानी मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि देखो भाई, ओवरक्लॉकिंग यहाँ पे बिना किसी रूट के होगी। रूट के बिना हम यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग करेंगे, और ओवरक्लॉकिंग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक कर्नल फ्लैश। यानी कर्नल वो होता है जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के हार्डवेयर पार्ट को हैंडल करता है। जैसे अपने विंडोज़ के जो लैपटॉप हो गए और जो बाकी लैपटॉप्स हो गए, जो नॉर्मल लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, उसमें एक बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उससे आजकल तो एडवांस बायोस भी चल गए, UEFI भी चल गए। तो उससे क्या होता है कि आप अपने जो, क्या बोलते हैं, जो आपका हार्डवेयर है आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जो डिवाइस ओवरक्लॉकिंग कैपेबल है वो आपके बायोस से, जैसे मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, बायोस से ओवरक्लॉक किया जा सकता है। वैसे ही यहाँ पे जो जो डिवाइस ओवरक्लॉक हो सकते हैं उन सब के लिए यहाँ पे कर्नल्स रहते हैं। मेरे डिवाइस के लिए भी यहाँ पे है, जो भी लिंक्स है वो आपको नीचे मिल जाएंगे, चाहे आप Redmi 4 में करना चाहते हो या आपका कोई और भी डिवाइस हो। उस लिंक में जाके अपने डिवाइस को सर्च करो और वहाँ पे आप रोम्स और कर्नल्स में जाके, यानी XD डेवलपर्स पे जाके रोम्स कर्नल्स फाइल जो सेक्शन है उसमें जाके अपने डिवाइस के लिए कर्नल ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं स्विच करता हूँ अपने डिवाइस में और आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कर्नल फ्लैश करके Redmi 4 को ओवरक्लॉक कर सकते हो, और किसी भी डिवाइस को सेम मेथड से ओवरक्लॉक किया जा सकता है बिना किसी रूट के। तो चलिए स्विच कर देते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो कस्टम रोम है, ये मैं कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस, तो इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो कर्नल है, ये स्टॉक कर्नल है जो इसके साथ आया, इसका नाम है डार्क फोनिक्स कर्नल। अगर आप यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। हाँ, तो इसका नाम है डार्क फोनिक्स कर्नल, और ये कर्नल है, और भाई ये पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है, काफ़ी अच्छा रोम है, सभी बहुत सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो कस्टम रोम है, और यहाँ पे जो मेरा डिवाइस है वो ओवरक्लॉक बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आपको CPU Z में दिखा सकता हूँ। तो ये CPU Z एप्लीकेशन है, आपको अपने CPU की सब जानकारी मिल जाएगी यहाँ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है कि ये है Qualcomm Snapdragon 430, हालांकि इसमें 435 लगा है, लेकिन फिर भी ये 430 डिटेक्ट कर रहा है। और ये है मेरे डिवाइस के स्पेसिफिकेशन। अब ये रन कर रहा है 1.40 GHz की, जो कि एक इनकी स्टॉक स्पीड है, यानी स्नैपड्रैगन 435 की और 430 की स्टॉक स्पीड है 1.40 GHz, और जो GPU की स्पीड है वो है 475 MHz, अगर आप देख सकते हो। तो ये 475 MHz है। अब हम इसको करने वाले ओवरक्लॉक 20 MHz ऊपर, यानी 1.60 GHz हम कर देंगे। और यहाँ पे ये कस्टम रोम है, तो आपको कस्टम रोम लगेगा। आप ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपके पास सैमसंग का है तो आप सैमसंग एक्सपीरियंस में फ्लैश कर सकते हो, ऐसा नहीं, आपको कस्टम रोम फ्लैश करना पड़ेगा। और अगर आपके पास, क्या बोलते हैं, अगर आपके पास शाओमी का डिवाइस है और अगर आप MIUI यूज़ कर रहे हो, तो आपको कस्टम रोम फ्लैश करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो अगर आपको कस्टम रोम फ्लैश नहीं करना, तो उसके लिए आपको फिर वो सब दूसरी लेजी फ्लैशर, वो सब फ्लैश करके काम चलाना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है। कस्टम रोम यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिकवरी मोड में, तो हमें दबाना है पावर बटन रिस्टार्ट और रिस्टार्ट इनटू रिकवरी मोड, ताकि हम जो कर्नल की फाइल है उसको फ्लैश कर सके। तो जब तक मैं डिवाइस रिस्टार्ट होता है, तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई कस्टम रोम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और हमें करना है फ्लैश कर्नल। तो कर्नल फ्लैश करने में थोड़ा टाइम, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट में हो जाएगा कर्नल फ्लैश। और कर्नल बायोस की तरह होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे। और मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ कर रहा हूँ। अब जो भी कस्टम रोम आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो ओरियो या पाई के साथ आए, तो ओरियो या पाई में हमेशा वो ट्रेबल रोम्स हो गए, ओरियो और पाई हमेशा एक ट्रेबल रोम होते, तो आपको ट्रेबल रिकवरी ही यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, और ये ट्रेबल सपोर्टेड है, यानी ये ट्रेबल
रोम किले भी बनिया नहीं यहाँ पे, जो ट्रेबल रोम से उसमें आप मैजिस्क भी फ्लैश कर सकते हो। अगर आपके पास ट्रेबल रिकवरी नहीं है तो आपको ट्रेबल रिकवरी यूज़ करनी पड़ेगी, अगर आप वो रोम यूज़ कर रहे हो जो ओरियो या पाई पे बना हुआ है। तो इसलिए ओरियो पाई क्रोम ट्रेबल होता है, उसके साथ आपको ट्रेबल रिकवरी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का भी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। और हमें कर्नल फ्लैश करने के ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, यहाँ पे आपको सिंपली लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा इंस्टॉल, इंस्टॉल पे जाना है। ये है मेरा कर्नल का नाम, रॉक स्टार वर्जन 5 है, ट्रेबल मेंटेनेंस बिल्ड है, ये अभी लेटेस्ट है इसका, ये कर्नल का पैच वो सब यहाँ पे ओवरक्लॉक हो जाएगा। तो इसको हमें सिंपली सिलेक्ट करना है और इसको आराम से फ्लैश कर देना है बिना किसी और कुछ फाइल को ऐड किए। तो हमें यहाँ पे सिंपली फ्लैश स्वाइप कर देना है, तो स्वाइप टू इंस्टॉल हो गया, अब ये फ्लैश हो रहा है और आप देखते रहो भाई ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इसको स्किप नहीं करूँगा, अगर हाँ ज़्यादा टाइम लग गया वैसे नहीं लगता, लेकिन हाँ अगर ज़्यादा लग गया 5 मिनट तो मैं इसको स्किप कर दूँगा, वैसे तो नहीं लगने वाला। तो ये हो चुका, लिखा है डन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा भाई, ये तो 1 मिनट से भी कम टाइम में हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डन। और सिंपली अब हमें वाइप कैशेस कर देना है सेफ्टी के लिए, तो स्वाइप टू वाइप कैश, कैश पार्टीशंस वाइप हो चुके हैं। और सिंपली रिबूट सिस्टम पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते थे, यहाँ पे जो सिस्टम है वो रिबूट हो जाएगा। दोस्तों फ़ोन बूट हो चुका है सिस्टम में, और अब हम CPU-Z जो एप्लीकेशन है उसको फिर से ओपन करेंगे और देखते हैं अब यहाँ पे हमें क्या क्लॉक स्पीड्स मिलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओवरक्लॉक हो चुका है, लिखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 1.65 GHz, आप देख सकते हैं बाकी डिटेल्स, पूरे 8 कोर ओवरक्लॉक हो चुकी है 1.65 GHz पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 8 कोर 1.65 1.65 1600 MHz है और बाकी चल रही है 900 पे, क्योंकि अभी हम कोई गेमिंग नहीं कर रहे, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोर्स एकदम मैक्स स्पीड पे रन कर रही है पहली 4 कोर। और ये जो हमारा GPU है वो भी ओवरक्लॉक हो चुका है, एड्रीनो 505 @620 MHz, यानी हम 620 MHz पे अपना GPU चला सकते हैं। और इसको हमें कुछ नहीं करना हो गया, अभी आप गेम खेलोगे तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। और अगर मैं रूट की बताऊँ तो देखो इसको फ्लैश करने से रूट नहीं होता डिवाइस, अभी भी लिखा है रूट एक्सेस नो, तो आपका जो डिवाइस है वो रूट नहीं हुआ है और आपके जो क्लॉक रेट है वो बढ़ चुके हैं। और एक अच्छी बात है अभी कि हमें एक ओवर क्लॉकिंग रेडमी 4 मिल चुका है, और हम इसको यूज़ करके अभी हमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, और जो गेम्स है और जो बाकी परफॉर्मेंस है इसकी वो काफ़ी अच्छी चलने वाली है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो देना इसको एक लाइक। अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, जो मेरे ट्विटर फेसबुक और वो सब के लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जाके आप उसको चेक करो, और फॉलो करना है तो फॉलो भी कर सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतने, कोई भी डाउट्स रह गया अभी भी तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, चैनल टेक्निकल गाइड को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोज़ आगे भी आप देखना चाहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।